हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की और हम एक सीरीज के रूप में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को। हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बात किया था इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में सिमेट्री का क्या रोल प्ले होता है और सिमेट्री के आधार पर कौन सा ट्रांजिशन अलाउड होता है और कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन होता है। हम सिलेक्शन रूल में एक और पॉइंट पढ़ते हैं स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में भी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसमें भी अलाउड और फॉरबिडन की केसेस जनरेट होती है। तो हम बात कर लेते हैं किस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या रोल प्ले होता है। तो हम जो पहला बात किए थे उसको हम बोलेंगे सिमेट्री रूल के आधार पर, जिसको हम लॉपोर्ट सिलेक्शन रूल भी कहते हैं, उसके आधार पर बात किया था। आज हम बात करेंगे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रूल ये कहता है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है उस समय हमारा जो डेल एस का वैल्यू हमारा जीरो है तो उस समय होने वाला जो ट्रांजिशन है वो अलाउड ट्रांजिशन होता है, अलाउड ट्रांजिशन। और ये हमारा जो दूसरा इसका फैक्ट ये कहता है कि यदि हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के समय प्लस माइनस वन वैल्यू आ रहा है तो ऐसा जो ट्रांजिशन होगा उस समय होने वाला ट्रांजिशन फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा, फॉरबिडन ट्रांजिशन। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के आधार पर बात करते हैं कि हम बात करते हैं हमारे पास दो एनर्जी लेवल है और दो एनर्जी लेवल में ये जो पहला एनर्जी लेवल है हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है और ये हमारा जो एक्साइटेड स्टेट है हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम बात क्या करते हैं कि हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन है, यदि हम देखें तो यहाँ ग्राउंड स्टेट में देखें तो ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन है प्लस हाफ क्लॉकवाइज है, इसलिए हम बोलते हैं इसका स्पिन प्लस हाफ है। अब हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट दिया यूवी रेंज का। अब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ये हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि ये इस समय जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में गया, उस समय इसका इलेक्ट्रॉन भी क्लॉकवाइज था। हमने ये क्या देखा यहाँ इस सिचुएशन में, इस केस में हमने ये देखा, इस केस में हमने ये देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन था पहले जो था उस समय ये प्लस हाफ था, उसके बाद जब ये गया उस समय भी ये प्लस हाफ था। इसका मतलब ये होगा कि हमारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है चेंज नहीं हुआ है। तो हम ये बोलेंगे कि जो ओवरऑल चेंजेस है डेल एस, हम बोलेंगे हायर एनर्जी स्टेट की स्पिन प्लस हाफ और लोअर एनर्जी स्टेट की स्पिन फिर प्लस हाफ। तो हमको माइनस लगाना पड़ेगा बीच में चेंज दिखाने के लिए। तो हम ये बोलेंगे कि यहां पर जो स्पिन हुआ प्लस हाफ माइनस प्लस हाफ तो ये हो गया जीरो। तो यहां पर हमारा डेल एस का मान जीरो आता है तो हम ये कहेंगे इस सिमेट्री रूल से हमारा ये जो ट्रांजिशन हुआ है ये अलाउड ट्रांजिशन है। अब हम लोग दूसरे केस की बात कर लेते हैं। दूसरे केस में यदि बात करें, हमारा ये इलेक्ट्रॉन था, इसको मैं चाहूं इसी को थोड़ा सा वेरी करके हम ये कहें हमारा इलेक्ट्रॉन की यदि स्पिन चेंज हो जाए तो हम कैसे कहेंगे, हमारा ये ग्राउंड स्टेट था, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। ये केस नंबर वन। दूसरे की बात करें तो केस नंबर दूसरे की बात करें, हम ये कहें कि अब हायर एनर्जी स्टेट में जब गया तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज हो गई, यानी जो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज था वो एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ऐसे केसेस में बोलेंगे कि हमारा पहले तो ये क्लॉकवाइज था लेकिन बाद में जाकर के ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि जो डेल एस का मान है हायर एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है माइनस हाफ और जो लोअर एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है माइनस करके हम कहेंगे प्लस हाफ, ये हो जाएगा माइनस हाफ और इस तरीके से देखें तो हमारे पास आ गया माइनस वन वैल्यू। ये जो माइनस है वो हायर एनर्जी स्टेट में हम लोअर एनर्जी स्टेट को वैल्यू को माइनस किए है तो हमारा जो वैल्यू आया वो माइनस वन आया है, यानी डेल एस का वैल्यू या तो प्लस वन आया या तो माइनस वन आया। ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी। तो ये वाला जो ट्रांजिशन हुआ है जो केस सेकेंड का, वो ट्रांजिशन हमारा फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो हमने ये जाना जब इलेक्ट्रॉन की स्पिन कांस्टेंट रहती है, रिमेन कांस्टेंट रहती है ट्रांजिशन के बाद भी, तो हम कहेंगे ऐसा जो ट्रांजिशन है वो अलाउड ट्रांजिशन है। और जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक जब इलेक्ट्रॉन हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है और उस समय इलेक्ट्रॉन की स्पिन यदि चेंज हो जाती है तो ऐसा जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन आएगा इस
का तरह के ट्रांजिशन से हमको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगी। तो हम सिलेक्शन रूल को हम बेहतर तरीके से पढ़ लिए हैं। दो सिलेक्शन रूल के आधार पर हमने अलाउड ट्रांजिशन को जाना और फॉरबिडन ट्रांजिशन को जाना, और ये दोनों ट्रांजिशन ही रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के इंटेंसिटी के बेस को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक्स में, हम बात कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ग्राफ प्लॉट की जाती है वो किस तरह से प्लॉट की जाती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यूवी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एमएससी लेवल पे बहुत सारे प्रैक्टिकल करते हैं, जिसमें हम किसी सॉल्यूशन को लेते हैं, किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन को लेते हैं और सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट बना लेते हैं और डाइल्यूट सॉल्यूशन के आधार पर हम उसके यूवी स्पेक्ट्रम की चर्चा करते हैं। तो उस समय हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो दो एक्सिस में करते हैं। ये जो हमारा है वो एक्स एक्सिस कहलाता है, ये कहलाता है हमारा वाई एक्सिस, और इस एक्सिस में हम लैम्डा के वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा यानी हम कह सकते हैं वेवलेंथ। और ये जो हमारा एक्सिस है, ये एक्सिस रिप्रेजेंट करता है एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या होता क्या है, जब हम लोग जैसे जैसे इस साइड से हम लोग इस साइड जाएं तो हमारा जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी पहले लोअर वेवलेंथ था अब वो हायर वेवलेंथ हो गया है। अब लोअर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ की ओर जाएंगे तो यहां पे क्या होता है, हम प्रैक्टिकल फिनोमेनन में बात करें तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास एक सैंपल है। ये सैंपल हो सकता है KMnO4 का हो सकता है वो हमारा K2Cr2O7 का भी हमारा सॉल्यूशन हो सकता है। अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन में हमने यूवी लाइट देना चालू किया। जैसे ही यूवी लाइट इस सॉल्यूशन के अंदर जाती है, इस सॉल्यूशन के अंदर जब जाती है तो ये जो हमारा लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट यूवी रेज का, इस मॉलिक्यूल से टकराती है, स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने से क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट की कुछ एनर्जी इस मॉलिक्यूल्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अब होता क्या है, हम मान लेते हैं कि हम सबसे पहले जो हम लोग लाइट दिए हैं, ये हम एक रैंडमली सीखने के लिए ले लेते हैं कि हम जो दिए हैं सबसे पहले 200 nm की लाइट दी है, 200 nm की हमने लाइट दे दिया। जैसे ही ये 200 nm की लाइट देंगे, ये लाइट हमारा लाइट जाएगा और मॉलिक्यूल से टकराएगा, टकराने के बाद ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी और हम बोलते हैं एब्जॉर्ब होने के बाद हमारा इस 200 nm में हमारा एब्जॉर्बेंस यहां आ गया। अब होता क्या है कि हम थोड़ा सा और वेवलेंथ बढ़ाते हैं, जैसे ही थोड़ा सा वेवलेंथ बढ़ाते हैं इतना, तो हमारा एब्जॉर्बेंस यहां पे हम मान लेते हैं 200 था, अब हम मान लेते हैं कि ये 210 आ गया। 210 nm आते ही यहां पे जो लाइट है वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करती है, ज्यादा मॉलिक्यूल के साथ जब स्ट्राइक करती है तो ज्यादा एब्जॉर्बेंस आती है। ऐसा इस तरीके से बोल सकते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हम सबसे पहली बार जब 200 nm की लाइट दी तो 100 मॉलिक्यूल स्ट्राइक किया, अब हम ये बोल लेते हैं कि जैसे 200 nm की दिए ये 150 मॉलिक्यूल यहां पे स्ट्राइक करना चालू कर दिया। ऐसे तो हमारे सॉल्यूशन में बहुत सारे करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स हैं, हम समझने के लिए एक फिनोमेनन जनरेट कर रहे हैं। अब ज्यादा मॉलिक्यूल यहां पे स्ट्राइक कर चुके हैं, फिर से हमने क्या किया, 210 के बाद 220 कर दिया, 220 nm करते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहां पर अब 200 मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं। जब ज्यादा मॉलिक्यूल के साथ लाइट इंटरेक्ट करेगा तो ऑफकोर्स हमको ज्यादा एब्जॉर्बेंस मिलने वाली है, तो हम यहां पे पहुंचते हैं और हमको एब्जॉर्बेंस ज्यादा मिल जाता है। इस तरीके से फिर से हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, 230 कर देते हैं, 10 nm ज्यादा कर देते हैं, तो हम पाते हैं कि चलो 250 nm हमारा मॉलिक्यूल्स था, 250 मॉलिक्यूल्स हमको स्ट्राइक में मिल गए। तो इस तरीके से ज्यादा मॉलिक्यूल स्ट्राइक किए, ज्यादा मॉलिक्यूल्स के स्ट्राइक से ज्यादा एब्जॉर्बेंस आना चालू हो गया। अब होता क्या है कि इसको बढ़ाते बढ़ाते हम पहुंच जाते हैं 300 में, मैं मान लेता हूं हमने हम पहुंचते पहुंचते 300 nm में पहुंच गया, और जैसे ही 300 nm में पहुंचते हैं हम मान लेते हैं कि यहां पे 1000 मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर लिए। अब यहां पे हम पहुंच गए 300 nm में, अब हमने 300 के बाद और बढ़ा दिया, चलो हम 310 nm कर दिए, तो हम ये पाते हैं कि 1000 के बाद
अब ये मॉलिक्यूल जो 1000 मॉलिक्यूल स्ट्राइक किए थे, अब 1000 नहीं करता, वहां से मॉलिक्यूल की संख्या, स्ट्राइक करने वाली संख्या कम हो जाती है। ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अब 900 मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहे हैं, या अब 900 मॉलिक्यूल, ऑफ कोर्स क्या होगा, अब जब मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगी तो स्ट्राइक करने वाले मॉलिक्यूल्स कम होगी तो हमारा एब्जॉर्बेंस भी कम आएगा। तो एक पीक पर जाने के बाद एब्जॉर्बेंस बढ़ी थी, अब ये धीरे 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 एब्जॉर्बेंस और कम होती जाती है, कम होती जाती है, जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये अब्सॉर्बेंस कम होती जाती है। तो हम ये पाते हैं कि हमारा जो यूवी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ग्राफ प्लॉट होती है वो एक कर्व के फॉर्म में आती है, जब हम अब्सॉर्बेंस और वेवलेंथ के फॉर्म में हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका एक ही रीजन है कि जैसे जैसे हम वेवलेंथ बढ़ाते हैं, शुरुआती दौर पे हमारा मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्ट करते जाता है, ज्यादा मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन होती है, जैसे ही हम एक पीक पॉइंट पर पहुंचते हैं वहां पे ऐसे सिचुएशन जनरेट होती है कि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते हैं और वहां पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस होती है, उसके बाद हमारा और वेवलेंथ बढ़ाने के बाद हमारा एब्जॉर्बेंस कम होने लगता है। और जहां पर हम पीक में पहुंचते हैं, ये पीक में पहुंचते हैं तो हम उसको कहेंगे ऐसा वेवलेंथ, ये कोई ऐसा वेवलेंथ है, हमने ये 300 मान लिया था, तो ये ऐसा वेवलेंथ है जहां पर हमको सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस मिली है। तो जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस मिलती है हम उस पॉइंट को बोलते हैं लैम्डा मैक्स। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, हम जब वेवलेंथ बढ़ाते गए तो हमारा एब्जॉर्बेंस बढ़ते गया और हम एक पॉइंट पर पहुंचे, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर पहुंचे तो सबसे ज्यादा हमको एब्जॉर्बेंस दिखी और उसके बाद हम फर्दर इंक्रीज किए वेवलेंथ को, तो हमको एब्जॉर्बेंस बढ़ने के बजाय घटते हुए क्रम में हमको एक कर्व मिले। तो जिस पॉइंट पर, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेंस है, उस पीक पॉइंट पर होने वाले जो वेवलेंथ है उसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स। इसको एक थोड़ा सा हम लोग क्लू रूप में समझ सकते हैं, जनरली गांव में जाए तो कहीं मंडाई वगैरह होती रहती है, तो होता क्या है कि हमारा शुरुआती दौर में लोग जाते हैं मेले में तो वहां पे भीड़ कम रहती है, धीरे 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 शाम होती जाती है और वहां पे भीड़ बढ़ता चालू होता है, लोगों का जो कनेक्शन है वो बढ़ते जाता है। और इनिशियली जब हम शाम के दौर में जाते हैं 5 से 6 बजे का जो टाइम रहता है वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि वहां पे सबसे ज्यादा इंट्रैक्शन हो रही है। और ऐसा होता है कि जैसे ही 6 बजा वहां उस मेले के अंदर, फिर लोगों का जो जमावड़ा है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और वहां पे इंट्रैक्शन लोगों का कम होने लगता है। तो इसी तरीके से बोल सकते हैं कि पहले हमारा एक टाइम, एक लिमिट के साथ बढ़ा इंट्रैक्शन और उसके बाद एक टाइम आया, उस टाइम के बाद, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के बाद हमारा स्ट्राइक कम हुआ और स्ट्राइक कम होने से ये हमारा अब्जॉर्बेंस कम आ गया। तो यही एक रीजन है जहां पे हमको इस तरह का कर्व मिलता है। अब हम यदि बात करें, कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जिसमें हम पर्टिकुलर प्रैक्टिकल करते रहते हैं जनरली, जिसमें हम सबसे बड़ा फेमस है KMnO4, जो हमारा पर्पल कलर का होता है KMnO4 सॉल्यूशन, इसका डब्ल्यू सॉल्यूशन बनाते हैं और इसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो हमको मिलती है 225 nm पर मिलती है। और इसी तरीके हम लोग K2Cr2O7 सॉल्यूशन बनाए तो उसके लिए जो हमको सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन के लिए जो लैम्डा मैक्स मिलती है वो 345 nm पर हमको मिल जाती है। अब ये हर एक सॉल्यूशन के लिए अलग अलग लैम्डा मैक्स होती है, यदि हम क्लोरोफिल में चले जाएं, जैंथोफिल में चले जाएं या किसी दूसरे कंपाउंड में चले जाएं तो हमको अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग तरह के लैम्डा मैक्स वैल्यू मिलती है। हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो लैम्डा मैक्स है वो सभी सॉल्यूशन के लिए अलग अलग होती है और लैम्डा मैक्स की वैल्यू वेरिएट भी होती है अकॉर्डिंग टू हम उसको किस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किए हैं। हम यदि हम सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो हम पानी ले सकते हैं या आपको दूसरे अदर सॉल्यूशन सॉल्वेंट ले सकते हैं जिसके आधार पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू आती है। ये जो मैं लैम्डा मैक्स लिखा हूं ये हम उस समय की बात है जब हम सॉल्वेंट के रूप में वाटर ली है तब ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू है। अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये जो हमारा ग्राफ है ये आपको दिख रहा होगा, ये ग्राफ आपको वृद्ध के फॉर्म में मिली है, एक चौड़ा हमको ग्राफ मिला है। अब आप सोचने की कोशिश कीजिए कि ये ग्राफ हमको ऐसा चौड़ा क्यों मिला होगा, जबकि इन्हें हमारे यदि देखिए हम ग्राफ वगैरह को एकदम शार्प मिलता है। ऐसे ही हम जब IR की बात करते हैं तो वहां रिलेटिव, वहां भी इसके रेस्पेक्ट में शार्प सिग्नल मिलती है। तो इसमें ऐसा क्या फैक्टर है कि ये जो हमारा स्पेक्ट्रा है वो विद फॉर्म में आए हैं
तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा चर्चा करना पड़ेगा इसके एनर्जी लेवल्स के बारे में। आपको पता होगा मैंने शुरू वाले लेक्चर्स में चर्चा किया था, वहां पे मैंने कहा था कि हमारा यूबी आता है, यूबी के बाद आता है हमारा आर्या, आर्या के बाद आता है माइक्रोवेव। इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, उससे कम एनर्जी आर्या की होती है और उससे कम एनर्जी हमारी होती है माइक्रोवेव की। और हमने एक चीज और कहा था कि ये जो हमारा यूबी है वो देता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आर्या में हमने बोला था कि वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन। और हम माइक्रोवेव में बोले थे कि हमारा यहाँ पे होता है रोटेशन, रोटेशन होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब होता क्या है कि ये जो हमारा यूवी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी रेंज में जब काम करते हैं तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो इसकी एनर्जी को हम कुछ इस तरह से थोड़ा ज्यादा गेप में बना सकते हैं। हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड स्टेट है और ये मान लेते हैं कि ये हमारा एक्साइटेड स्टेट है, और स्पेशली ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए है। किसके लिए है? इलेक्ट्रॉनिक लेवल के लिए है। यस, इस तरीके से मान लेते हैं। अब हम एक चीज और बात करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें नीचे चले जाए तो हमको आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेगी जहां वाइब्रेशन होने वाला है। यानी हमको जब नीचे चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ हमको वाइब्रेशन वाली एनर्जी भी मिलने वाली है। यानी हम ये कहें कि जब कोई मॉलिक्यूल्स है और जब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक यूवी स्पेक्ट्रो यूवी रेंज का जब लाइट देते हैं तो यूवी रेंज के लाइट देने से वहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने की से के साथ साथ वहां पे वाइब्रेशन भी होती है, क्योंकि हमारी एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी से ज्यादा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के साथ साथ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन भी होती है, तो ग्राउंड स्टेट में ही मॉलिक्यूल वाइब्रेट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल में रहती है। तो हम यही कह सकते हैं कि ये जो वाइब्रेशनल लेवल है वो प्लस माइनस वन फॉर्म में है। तो यहाँ पे मैं वी इक्वल जीरो, वी इक्वल वन, वी इक्वल टू, वी इक्वल थ्री इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर में वाइब्रेशनल लेवल है। यहाँ पे भी ऐसी होगा वी इक्वल जीरो, वी इक्वल वन, वी इक्वल टू, वी इक्वल थ्री, अलग अलग तरह के हमारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। अब आपको दिख रहा होगा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से भी कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है मॉलिक्यूल्स को रोटेट करने के लिए। जैसे मैं कहूं कि ये मॉलिक्यूल है मेरा और इसको यहाँ पे उसको वाइब्रेट करा रहा हूं, तो वाइब्रेशन कराने से कम एनर्जी की जरूरत मॉलिक्यूल्स को रोटेट कराने में लगती है। तो यहाँ पे समझना जरूर होगा कि रोटेशन करने से मॉलिक्यूल्स को जो लगने वाली एनर्जी है वो कम होती है कंपेरेटिवली मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करने में, इस बात को जानना पड़ेगा। और मॉलिक्यूल्स को लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने में और ज्यादा एनर्जी की जरूरत लगने वाली है। तो होता क्या है कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर ही हमको और एनर्जी लेवल मिलते हैं ऐसे पतले पतले लाइन में, जहां पर हमको अलग अलग और एनर्जी इस छोटे से गेप के अंदर हमको अलग अलग फील्ड से हमको एनर्जी लेवल मिलती है, वो है रोटेशनल एनर्जी लेवल की। ये रोटेशनल एनर्जी लेवल की फील्ड से मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के गेप के अंदर हमको वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल मिलती है, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर हमको रोटेशनल एनर्जी लेवल मिलती है। और इस तरह से एक तरह से ये एक बैंड के फॉर्म में आ जाता है, और बैंड के फॉर्म में आने के कारण होता क्या है कि जब हमारा मॉलिक्यूल्स यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते रहता है, जिस तरीके से मैंने अभी सॉल्यूशन लिया था, वहां पर वो जब इलेक्ट्रॉनिक लेवल यूवी रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करते रहता है, उस समय वाइब्रेशन भी होती रहती है और साथ साथ रोटेशन भी होती रहती है। तो वाइब्रेशन रोटेशन इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स में होते रहता है, और होने के कारण क्या होता है कि ये हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो एक शार्क पे के रूप में ना करके एक विद फॉर्म में आ जाता है, एक चौड़े फॉर्म में हमारा ग्राफ प्लॉट होता है। तो ये जो मैं अभी ये जो जनरल फिनोमेनन बोला हूं, ये हमारा एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो इसको जानना जरूरी है। साथ ही साथ ये कभी कभी हमको इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, जहां पे हम पूछा जाता है कि यूवी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस तरह का जो ग्राफ बनता है उसके चौड़े आने का रीजन क्या है। तो ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना। और एक चीज और हम जान लेते हैं, इसमें दो तरह की बात किया जाता है। हमने शुरू वाले लेक्चर्स में कहा था कि जो हमारा यूबी इलेक्ट्रो जो रेंज है, यूबी का जो रेंज है वो 200 एनएम से 400 एनएम का होता है, 200 एनएम से 400 एनएम का होता है हमने कहा था। अब होता क्या है कि हम जब लैब में काम करते रहते हैं तो
हमारा जो एब्जॉर्बेंस है इसी के बीच में प्लाट होते रहता है, यहां से और जाए तो विजिबल है, जब हम 800 एनएम वेवलेंथ के आधार पर हम बात करते रहते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इससे थोड़ा सा लोअर गेप में हो सकता है, यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो 200 एनएम से भी कम में होता है, से कम पर भी कुछ कम पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है। अब जब कुछ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 200 एनएम से भी कम पर होती है तो हम जानते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, हम लैब जिस लैब में काम कर रहे हैं वहां पर उसके चारों तरफ एयर भी है, और एयर है तो एयर में ऑक्सीजन भी होगा और हमारा सोल्यूशन उस अराउंड में होगा जहां पर हवा है, एयर है, क्योंकि जहां पर हमने क्यूबेट को इंट्रोड्यूस किया है सोल्यूशन को लेकर के, वो सोल्यूशन कॉन्टेक्ट में होगा एयर के, तो एयर है तो वहां पे हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी होगा, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को देख रहे होगे यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो अफकोर्स नॉन बॉन्डिंग है, पाई बॉन्ड है तो पाई है और पाई स्टार भी होगा, तो इस तरीके से इसमें नॉन बॉन्डिंग तो पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी मिलने वाली है। तो होता क्या है कि ये जो वाटर, जब हम 200 एनएम से ऊपर पर काम करते हैं तो उस समय इस O2 मॉलिक्यूल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम 200 एनएम से कम पर काम करते हैं यूवी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो इससे नीचे वाले रेंज पर भी डिजाइन किए जाते हैं, तो जब हम लोग उससे इससे कम पर जब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उस समय इस मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आने के साथ साथ ये हमारा ऑक्सीजन है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आना चालू हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट को, पूरा इंस्ट्रूमेंट को, जिस जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ले रहे हैं उसको पूरा वैक्यूम कर देते हैं। वैक्यूम करने से क्या होता है, वैक्यूम करने से हम जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ले रहे हैं उस वैक्यूम के रीजन में आने से यहाँ पर एयर नहीं रहती, केवल और केवल हमारा सैंपल का आता है यहाँ सिग्नल, और यदि हम वैक्यूम ना करें तो 200 एनएम से कम रेंज पर हमारा सैंपल का स्पेक्ट्रा आने के साथ साथ इस वाटर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आना चालू हो जाता है। इसीलिए हम जब 200 एनएम से नीचे पर काम करते हैं तो उस समय हम उस हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम वैक्यूम रीजन में रख देते हैं जहां पे हवा ना हो, जिससे हमारा केवल और केवल सैंपल का रीडिंग आए। तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं वैक्यूम यूवी रीजन। तो ये भी हमारा इंटरव्यू का क्वेश्चन था कि वैक्यूम रीजन क्या होता है या वैक्यूम रीजन से आप क्या समझते हैं, तो हमको बताना पड़ेगा कि हम जब 200 एनएम से हम कम रीजन पर जब किसी मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उस समय वाटर मॉलिक्यूल्स हमारा एयर का भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आना चालू हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम एयर से प्रोटेक्ट करने के लिए, एयर से को वहां पे कॉन्टेक्ट से बचाने के लिए, हम उस रीजन को, उस इंस्ट्रूमेंट को हम वैक्यूम बना देते हैं ताकि हमारा ये सिग्नल ना आए। तो ये हमने ये भी जाना कि हमारा वैक्यूम रीजन क्या होता है। तो सीधा सीधा हम एक ही बात समझे कि 200 एनएम से कम पर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्लॉट करते हैं तो उस समय हमको सिस्टम को वैक्यूम करना पड़ता है, तो उस समय उस रीजन को हम बोलते हैं वैक्यूम रीजन। अब हमने दो बातें पढ़ा, किस तरह से लैम्डा मैक्स होती है और किस तरह से हमारा विद आता है सिग्नल में, और किस तरह से वैक्यूम रीजन होती है। अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक में बात कर लेते हैं। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम किसी सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, और किसी सॉल्यूशन के एब्जॉर्बेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बियर लैम्बर्ट्स लॉ में दिए गए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, और उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके से दिया जाता है एप्सिलॉन सीएल, और ये इंडिकेट करता है एब्जॉर्बेंस को, और हमारा ये ई इंडिकेट करता है मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट को इंडिकेट करता है। इस मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी, इसको मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कहते हैं। ये जो मोलर एब्जॉर्बिटिविटी है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी सॉल्यूशन के एब्जॉर्बेंस के लिए। इस सॉल्यूशन का जो यूनिट, इसका जो मोलर एब्जॉर्बिटिविटी है, इसका हम एक यूनिट लिखते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में यदि बात करें
मोलर एक्सटेंशन कोफिशियंट का, तो ये लिखा जाता है मीटर स्क्वायर पर मोल। और साथ ही साथ सीजीएस यूनिट में भी इसकी चर्चा की जाती है। सीजीएस यूनिट में इसको लिखा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसको ट्रेडिशनल यूनिट के रूप में एक और दिया गया है, सेंटीमीटर पर मोल। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। ये यूनिट की चर्चा हमने इसलिए किया क्योंकि ये यूनिट किसी एग्जाम में पूछा गया था कि मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की यूनिट क्या होती है। तो हमको यदि एसआई में पूछा गया तो इस यूनिट की चर्चा करेंगे, सीजीएस में पूछा गया तो इस यूनिट की चर्चा करेंगे। यदि ये दोनों नहीं है तो हम इन में से इनको सेलेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग इस मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की। तो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है, ये वैल्यू वेरी करता है 10^0 to 10^6 तक। यानी मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट की वैल्यू इतनी हो सकती है। इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई किए हैं, जिसमें एक जो वैल्यू है हम 10^0 to 10^3 और एक 10^4 यानी 10^4 से ज्यादा वैल्यूज हो, मोर देन 10^4। ऐसे केसेस में क्या होता है, ये जो वैल्यूज आती है वो तब आती है जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को फॉरबिडन के रूप में देखते हैं। यानी फॉरबिडन ट्रांजिशन जब किसी मॉलिक्यूल्स में होता है, जैसे नॉन बाइंडिंग टू पाई स्टार या नॉन बाइंडिंग टू सिग्मा स्टार, ऐसे ट्रांजिशन जब किसी मॉलिक्यूल्स में होती है तो उस ट्रांजिशन के थ्रू जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है इस तरह से आता है। इसका जो मिड एरिया है वो 10^4 होता है। इससे हम आगे चले जाएं तो ये जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है मोर देन 10^4, ये हमको मिलता है अलाउड ट्रांजिशन के थ्रू। अलाउड ट्रांजिशन जब होती है तो उस समय हमको ये इस तरह का वैल्यूज मिलता है। आपको पता होगा हमारा जो अलाउड ट्रांजिशन है पाई टू पाई स्टार और सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है वो अलाउड ट्रांजिशन है। इस तरह के ट्रांजिशन में हमको मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट की वैल्यू इतना मिलता है। और जब दोनों वैल्यू वेरी करता है तो इसके आसपास इनका वेरिएशन आते हैं, इनका भी वेरिएशन इसके आसपास तक आ जाता है। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। हमारा जो BLMR लॉ है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये केवल और केवल ये जो एक्सप्रेशन है वो लोअर कंसंट्रेशन में फॉलो होती है। यदि हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा हाई कर दें तो उस समय हम किसी उस सॉल्यूशन का एब्जॉर्बेंस ले नहीं पाते हैं, हमारा ये BLMR लॉ उस समय फॉलो नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले ये तो जानना पड़ेगा कि ये जो सी है हमारा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है और ये सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बहुत कम होना चाहिए। अब एल जो ये हमने कहा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो एल है वो इंडिकेट करता है लेंथ ऑफ क्यूबेट को। लेंथ ऑफ क्यूबेट, ये जो क्यूबेट है, हम जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंटल वे में जाते हैं, जब हम लोग यू स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जिस हम यूनिट को लेते हैं उसको हम बोलते हैं क्यूबेट। ये जो क्यूबेट है क्वार्ट्ज कास्ट की बनाई जाती है। क्वार्ट्ज की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि क्वार्ट्ज की क्वालिटी ये होती है कि ये यूवी लाइट को अब्सॉर्ब नहीं करता है। यदि हम बात करें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, यदि हमारे पास ये हमारा क्यूबेट ग्लास का बना हुआ है, तो होता क्या है, यदि मैं सॉल्यूशन के अंदर यूवी लाइट इंग्रेडिएट करता हूं और यूवी लाइट इंग्रेडिएट कर रहा हूं, उस समय मैं मान लेता हूं कि हमारी लाइट की इंटेंसिटी 100% है। अब ये सॉल्यूशन 20% एब्जॉर्ब करता है तो मुझे 80% लाइट ट्रांसमिट लाइट मिलनी चाहिए, लेकिन ग्लास क्यूबिट में ऐसा नहीं होता है। हमको 80% ना मिलने के बजाय इससे कम मिलता है। मान लो मैं कहता हूं कि 70% मिला, तो हम यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 70% जो मिला है वो कम है, तो ये 10% की जो वेरिएशन आ रही है वो कहां गया। तो वो 10% जो लाइट है, 10% जो लाइट की इंटेंसिटी है, ये ग्लास के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है।
ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमको जो ऑथेंटिक वैल्यू सॉल्यूशन के एब्जॉर्बेंस की मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, इसीलिए इस क्यूबेट को हम क्वार्ट्ज का बनाते हैं, यानी क्वार्ट्ज का बना हुआ हम क्यूबेट यूज करते हैं। इसको हम वेरिएशन को एक और बियर नंबर लाके एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं, a इज इक्वल लॉग आई जीरो अपॉन आई एस। ये जो आई है इरेडिएट लाइट की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और आई एस ट्रांसमिट लाइट जो सैंपल से पास हो गई है उस ट्रांसमिट लाइट की इंटेंसिटी को इंट्रोड्यूस करता है। यानी इस एक्सप्रेशन के द्वारा भी हम किसी सॉल्यूशन के अब्सॉर्बेंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने इस वीडियो लेक्चर में दो बातें सीखा, एक तो सॉल्यूशन रूल का कुछ पार्ट बच गया था उसको सीखा, और आते आते हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखा, और ये भी देखा कि हमारा जो कर्व बनता है वो विद के फॉर्म में क्यों बनता है। हमने लैम्डा मैक्स के बारे में भी चर्चा किया और हमने एब्जॉर्बेंस के बारे में भी चर्चा किया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं बहुत सारी बातों को स्लोली बताने की कोशिश किया ताकि आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में थोड़ा सा डिटेल पता चल जाए और आप वाइवा के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाए। तो ये मेरा पर्सनल थिंकिंग था कि आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को डीप में जाके सीख पाए। अब हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वेरिएट करता है हमारे लिए गए साल्वेंट के साथ। तो हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे साल्वेंट इफेक्ट। तब तक के लिए गुड बाय।